अपना होम साइंस में हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, अपना होम साइंस में हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन में हम लोग भोजन पढ़े, पोषण पढ़े, संतुलित आहार पढ़े, असंतुलित आहार पढ़े। उसके बाद असंतुलित के बाद जो है हम उसके टाइप्स पढ़े। असंतुलित के बाद कुपोषण पढ़े, कुपोषण के दो टाइप्स पढ़े, सुपोषण कुपोषण। कुपोषण में अति पोषण, अल्प पोषण, अति पोषण में प्राइमरी और सेकेंडरी, इस सब हम लोग पढ़े। जो बच्चे पढ़े नहीं है वो वीडियो को पीछे कर लेंगे और उसके बाद भोज्य पदार्थ का वर्गीकरण। हम जो भोजन करते हैं उस भोजन का वर्गीकरण किया किए हम चार टाइप्स में डिवाइड कर दिए, पौष्टिक तत्वों के आधार पर, कार्य के आधार पर, नश्वरता के आधार पर, उद्गम के आधार पर। जो हम पौष्टिक जो हम भोजन करते हैं उनको हम चार भागों में डिवाइड किए। पौष्टिक तत्वों के आधार पर, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, पौष्टिक तत्वों के आधार पर, कार्य के आधार पर, नश्वरता के आधार पर, उद्गम के आधार पर, चार भागों में डिवाइड किया गया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब पोषक तत्वों के आधार पर। पोषक तत्वों के आधार पर पोषक तत्वों में भी डिवाइड किया गया शरीर निर्माणात्मक, ऊर्जा प्रदान, फल शरीर रक्षात्मक। ऊर्जा प्रदान किससे होता है? ऊर्जा में एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन युक्त भोजन से, वसा युक्त भोजन से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। जब वो एनर्जी मिलेगी तो हम कोई भी कार्य आसानी से कर लेंगे। शरीर का प्रोटेक्शन कैसे होगा? विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, वाटर चाहिए। क्या क्या हमें चाहिए? विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए और वाटर चाहिए, जिससे हमारी बॉडी क्या रहेगी? प्रोटेक्ट रहे। एनर्जी किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा युक्त भोजन करने से हमें एनर्जी प्राप्त होगी। कोई भी कार्य करना हो तो हमें एनर्जी हमारे शरीर में रहेगी, तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं। आप चाहें तो इस वर्गीकरण को आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। हम हट जाते हैं और आप इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद जो हम एक एक पॉइंट इसमें समझाते चलेंगे आपको, आप हम जो है नोट करते चलिएगा। पोषक तत्व के आधार पर, हाँ बेटा, पोषक तत्व के आधार पर यदि आप नोट भी करते रहिए, उसके हम समझाते भी रहे एक एक पॉइंट को। पोषक तत्व के बारे में 3 पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम पूरा एक एक पॉइंट आपको नोट कराएंगे। नोट हो गया? नोट डाउन कर लिए सभी लोग? वेरी गुड, बहुत अच्छे।